तो शूटर मेजर साहब को लगा कि भाई तीन लड़के हट गए तो पेनल्टी पॉइंट अगर गए तो फिर लगा दो साहब। तो एक तो बेचारा मेस वेटर था, दूसरा कोई एक मसालची था, वो बाकी फौज आने वाली थी जिन्होंने जिंदगी में 10 मील नहीं भागी, तो 24 किलोमीटर तो बहुत होता है। एक पढ़ लिखे का सभ्याचार पैदा हो सके, सिर्फ गिद्धे भंगड़े साडा सभ्याचार नहीं हो सकते। तो किन्ने कु दूर आ भली भांत असी बहुत चंगी तरह जानते हैं, तुहाडा सब का बहुत बहुत शुक्रिया सर। तुसी एक खूबसूरत ने अपनी सुप्रीम सैक्रीफाइस दी 12 सितंबर 1897। उन्होंने एक ऐसा उदाहरण पेश किया है मिलिट्री हिस्ट्री के अंदर में, जिसके अंदर में डेडिकेशन, कमिटमेंट, जो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था निश्चय कर अपनी जीत करो। देखिए, ये अपने प्राणों की आहुति देना, सुप्रीम सेक्रीफाइस करना, ये अपने आप में एक अलग ही दर्जे की बात है। आज के दिन हमने उनके कमांडर हवलदार ईश्वर सिंह जी को याद किया। 21 वीर सिख योद्धा थे जिन्होंने जो मिलिट्री हिस्ट्री के उसके अगर आप पूरी मिलिट्री हिस्ट्री स्टडी करें तो ऐसा एग्जांपल और कहीं नहीं दिखाई देता है, जिसके अंदर में 21 के 21 ने सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया। इससे पूरे भारत को, राष्ट्र को, समाज को, हर भारतीय को, हर एक फौजी को, हर एक सैनिक को एक सबक सीखने की एक मिसाल है कि किस प्रकार, किस श्रद्धा से आप अपने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और जनहित में कार्य करते हैं। देखिए, जो उनकी जो वीर गाथा है ये हर भारतीय को मालूम होनी चाहिए, बच्चे बच्चे को मालूम होनी चाहिए, क्योंकि हमारी रगों में जो खून है, हमारे जो मैं कहूँगा हमारे विचारों के अंदर में जो जोश है, जिस प्रकार से हम भारतीय अपनी लड़ाई लड़ते हैं, सैनिकों का कार्य करने का जो शैली है अपने आप में बिल्कुल अलग है। और इसका जो प्रेरणा स्रोत है वो 1897 12 सितंबर और वो 21 सिख जोधा को जाता है। और देखिए, आपने तो आप में से कुछ ने देखा होगा जो पिक्चर केसरी थी, लेकिन इसके अलावा उस पिक्चर में जो दिखाया गया था, ये जरूरी है कि आप इतिहास को पढ़िए, आप अपनी विरासत को जानिए, आप अपने हेरिटेज को जानिए। मैं कहूँगा सबसे बड़ा जो चीज़ उन्होंने हमको सिखाया कि 21 किस प्रकार से इकट्ठे हुए, किस प्रकार उन्होंने एक टोली बनकर, एक टीम बनकर अपना मिशन को हासिल किया। उनसे सबक सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सबसे बड़ा जो सबक है उनसे कि अपने विश्वास के लिए, अपने डिटर्मिनेशन के लिए, अपने को जो कार्य दिया गया है उसके लिए अपने प्राणों की आहुति किस प्रकार दी जाती है। आपने देखा कि 2020 में जो गलवान के अंदर में हुआ, जो हमारे 20 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी, आपको तो मालूम है 1971 में जो बैटल ऑफ लोंगेवाला था, किस एक अलग ही इतिहास बनाया है। इन सबको अगर आप जोड़ेंगे तो वहाँ पर जो 1897 सारागढ़ी फोर्ट में लड़ाई लगी थी, जो की थी हमारे 21 वीर योद्धाओं ने और उनका कमांडर था हवलदार ईश्वर सिंह, उससे सबक सीखना बहुत जरूरी है। वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन ते सारागढ़ी फाउंडेशन डॉक्टर जोसन उन्हां दे नाल मिलके दिल्ली दे इतिहासिक शहर विच जो सारागढ़ी दी वीर गाथा है उहदा 125वां जो सालगिरह, उन्हां महान योद्धियां नूं अज दी शाम समर्पित कीती गई जिहड़े वीर गति नूं प्राप्त हो गए। किस तरह 21 सोल्जर और एक उन्हां दे नाल उन्हां दा कुक सेवादार दाद, किस तरह उन्हां ने 1,00,000 तों वी ज़्यादा अफगानी फौज दे नाल जो साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा है 1,25,000 से एक लड़ाऊं तवे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं, किस तरह उन्होंने एक एक ने मुका उन्हें चाहते तो वह सरेंडर कर सकते सी, उन्होंने पता ही जितना नहीं असी मरना ही है, लेकिन पहला मरन कबूल है। ये जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखाया, जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्हें शूरवीरता पैदा की, जो शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी ने अफगानिस्तान दे नॉर्थ वैसट फ्रंटियर नूं ठल पाई, साडे जरनैल हरी सिंह नलवा वर्गे उन्होंने जो ठल पाई, उन्हां दी लगेसी नूं अगे चलाउंदे होए ये 21 सोल्जर्स ने किस तरह एक वैलर सैक्रीफाइस ब्रेवरी दा इहदी मिसाल नहीं मिलती। यूनैसको ने भी इस बैटल में एक हिस्टोरिक बैटल करार दिता है,
असी अज भारत के प्रधानमंत्री जी और एजुकेशन मिनिस्टर तो भी यह मांग की है सारिया ने मिल के कि यह सारा गढ़ी का चैप्टर इट शुड बी टॉट इन एवरी इंडियन लैंग्वेज इन एवरी टैक्सट बुक टू अ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन सो दैट दे कैन नो अवर शेवलरी। मैं समझदा कि जो पिछले गलवान दे विच एक 23 साल सिख बच्चा जिदी अजे दाढ़ी फुट रही सी वो भी वीरगति प्राप्त हो गया कितने ना कि वो सार महाराजा रणजीत सिंह की शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की सूरवीरता हरी सिंह नलवा की सूरवीरता सारा गढ़ी के शूरवीरता सिख रेजिमेंट और इदा ही गलवान दे विच यंग फौजिया ने साडे सिपाहियों ने साडे शूरवीर ने किदा वीरगति प्राप्त किया। नाल ही असी वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन वालों सारा गढ़ी फाउंडेशन वालों जो सारा गढ़ी मेमोरियल है वो पिछे कोई पंजाब सरकार पिछलियां ने कुछ अनाम अमाउंट अनाउंस की सी वो नहीं दिती जा सकी किसी वजह नाल। अज मैं अपने एम पी एल डी फंड चो भी 50 लाख रुपया दे के उत्थे उन्हूं सारी याद नूं रीफरबिश ढुकावा किया जाएगा। नाल ही वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन वालों असी दिल्ली के इतिहासक शहर से जिते असी होर यादगार बना रहे हैं सारा गढ़ी की यादगार का रेपिलका भी असी अनाउंस किया वो भी जल्दी दिल्ली शहर के विच एक ढुकवी थां ते बनेगा जिथे ताकि साडे नौजवान पीढ़ी नूं साडे भारतीयों नूं भारतीय नौजवानों नूं एक जोश पैदा हो सके कि किस तरह 21 सिख सोल्जर ने यह अपनी सूरवीरता का सबूत दिता वैलर का अपनी और 1 लाख तो भी वध अफगान पठाना नाल लड़दे हुए वो शहीद हो गए। देश दुनिया की हर वड्डी खबर नाल जुड़े रहने लई साडे YouTube चैनल नू सब्सक्राइब करो नाल दी नाल हर नवी वीडियो दी नोटिफिकेशन लई बैल आइकन जरूर दबाओ। जेकर तुसी ये वीडियो Facebook ते देख रहे हो तो इसनू लाइक जरूर करो और ज्यादा तो ज्यादा शेयर भी करो। धन्यवाद।